हाय फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं पावर एनालिसिस की और इसको हम करेंगे जी पावर से। तो अब यहाँ दो चीज़ें, जी पावर एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ पावर ऑफ टेस्ट निकालने के काम आता है, और पावर एनालिसिस एक कंसेप्ट है जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के साथ रिलेटेड है। हाइपोथेसिस के एक्चुअली हाइपोथेसिस टेस्टिंग के चार कंसेप्ट होते हैं, Type 1 error, Type 2 error, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और पावर ऑफ टेस्ट। इन चारों में पावर ऑफ टेस्ट की बहुत रेयरली बात की जाती है, तीन का काफ़ी हम जिक्र करते हैं, पर इनको भी एक बार दोबारा से समझते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या, पूरा कंसेप्ट क्या है। तो एक बार हम शुरू करते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। तो फ्रेंड्स, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में दो बातें और एक एग्जाम्पल, ये आपने हमेशा याद रखना है। दो बातें, पहली बात ये कि हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन की होती है, सैंपल की कभी नहीं होती। तो अब जब भी कभी हाइपोथेसिस लिखेंगे वो हमेशा पॉपुलेशन के बारे में होगी। कुछ रिसोर्स पर्सन तो बहुत ही इसको स्ट्रिक्टली लेते हैं, तो बोलते हैं अगर आपने हाइपोथेसिस लिखी एक्स बार इज इक्वल टू जीरो, तो बोलते हैं नहीं ये गलत है, म्यू इज इक्वल टू जीरो लिखो, म्यू पॉपुलेशन मीन, यानी हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन की है। बट एट द सेम टाइम सेकेंड पॉइंट ये कि चेक सैंपल पे किया जाता है पॉपुलेशन के बारे में, पर चेक करेंगे सैंपल से। ये दो चीज़ें याद रखनी है। और एग्जाम्पल हमारे किचन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल कि आज मम्मी ने एक डिश बनाई और आपको कहा एक बार इसमें चखना, नमक ठीक है क्या इसमें। तो अब यहाँ पे देखो दो बातें हो रही हैं साइमल्टेनियसली। पहली चीज़ तो हमारे पास एक टोटल पूरी डिश है जिसको मैं पॉपुलेशन बोल रहा हूँ। अब अगर आप ऐसा पॉसिबल हो आपके लिए कि आप पूरी पूरी डिश ही खा जाओ, पूरी डिश आपने खा ली और आपने कहा हाँ नमक थोड़ा कम था, तो यहाँ हाइपोथेसिस नहीं हुई, ये तो एक्चुअली फैक्ट हो गया। अगर आपने पूरी पॉपुलेशन के बेस पे कुछ दी बात, तो वो फिर अब हाइपोथेसिस नहीं है, वो तो कंप्लीट फैक्ट हो गया है। लेकिन अक्सर ऐसा हम नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर यूनिट, एक सबसेट उसका लेते हैं जिसको हम सैंपल बोलते हैं। तो अब सैंपल के बेस पे हम लेंगे, लेकिन जब आपने चखा, इस एग्जाम्पल को एक एक स्टेप को ध्यान से देखिए, आपने एक चम्मच ली डिश में से और आपने कहा इसमें नमक कम है, तब आप क्या एक्चुअली कह रहे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरी चम्मच में नमक कम है या पूरी डिश में कम है। पूरी डिश में नमक कम है इसका मतलब आप कर रहे हैं सैंपल पे काम, लेकिन इन्फ्रेंस आपका आ रहा है पूरी पॉपुलेशन के लिए, राइट। तो दोनों बातें क्लियर हैं, हाइपोथेसिस हमेशा पॉपुलेशन की होगी। मम्मी ने क्या पूछा, डिश में नमक कम है क्या, पूरी डिश की बात हो रही है। आपने एक सैंपल लिया और सैंपल के बेस पे आप कहेंगे हाँ नमक कम है, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल। लेकिन अब इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी कहानी आ जाती है, लाइफ इतनी सिंपल तो नहीं है ना। लेट्स से मम्मी ने एक, दोबारा से एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, मम्मी ने बनाई ये डिश और उसके बाद मम्मी चली गई बाहर किचन से, पापा आ गए किचन में, पापा ने चेक किया और पापा ने कहा अरे तो नमक कम है, और पापा ने नमक डाल दिया। अब नमक डाल दिया लेकिन नमक को मिलाया नहीं है पूरी डिश में, एक जगह पे यहाँ पे नमक डाल रखा है, ठीक है। फिर मम्मी आ गई, मम्मी ने आपको बुलाया कि एक बार चखना नमक ठीक है क्या। अब देखिए क्या होने वाला है, अब यहाँ पे दो सिनेरियो होने वाले हैं। अगर आपने इस पर्टिकुलर पोर्शन से चम्मच उठाया तो आप क्या बोलने वाले हैं, बहुत तेज नमक है, बहुत ही ज़्यादा नमक है, क्योंकि सारा नमक एक जगह पे है और उसी में से आपने एक सैंपल ले लिया। तो हालांकि फैक्ट क्या है, फैक्ट तो है पूरी में तो एक्चुअली कम था, लेकिन आपका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ ना, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है आप यहाँ से उठाओ सैंपल और आप कहो कि अरे नमक तो बड़ा कम है, तो क्या होने वाला है, मम्मी और नमक डालेंगी मिलाएंगी, ये तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। अब यही हमारे साथ होता है, हम हमेशा काम करते हैं एक सैंपल पे और इन्फ्लुएंस करते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या समझ आया, इस एग्जाम्पल में क्या समझ आया, पापा को ये नमक डाल के मिला देना चाहिए था ना। पूरी की पूरी कहानी हेटरोजीनियस और होमोजीनियस पॉपुलेशन के बारे में है। होमोजीनियस पॉपुलेशन होगी तो आपकी काफ़ी हद तक सैंपल ठीक आएगा, आपकी सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, लेकिन ये अपने हाथ में होता नहीं है। हेटरोजीनियस होती है पॉपुलेशन, सैंपल रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है टाइम्स हमारे पास, इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ये प्रॉब्लम डिश की तो बड़ी सिंपल है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हम डोमेन में जाने वाले हैं। तो एक बार दोबारा से रिवाइज करें दो कंसेप्ट। पहला, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमेशा एक सैंपल पे करते हैं, पॉपुलेशन पे नहीं होती है,
पर ये पॉसिबल नहीं होता तो हम सैंपल लेते हैं। लाइफ के हर फील्ड के अंदर हम यही काम कर रहे होते हैं, हर वक्त हर कहीं हम एक हाइपोथेसिस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर रहे होते हैं और एरर्स भी होते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, एक रिक्रूटर ने इंटरव्यू कंडक्ट करवाया और कैंडिडेट के उसको इंटरव्यू के बेस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब यहाँ चार सिनेरियो देख पा रहे हैं आप। अच्छा कैंडिडेट था, बहुत ही कॉम्पिटेंट है, आपने रिक्रूटर ने उसे एक्सेप्ट किया, बहुत अच्छी बात है, और आपको लगा है इसका कॉम्पिटेंसी लेवल तो ठीक है नहीं, तो आपने रिजेक्ट कर दिया, ये भी अच्छी चीज़ है। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टू सिनेरियो, कि कैंडिडेट बहुत अच्छा था पर आपको लगा ठीक नहीं है, आपने रिजेक्ट कर दिया उसे, या इनकॉम्पिटेंट पर्सन को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ दो तीन चीज़ होने वाली हैं और एक क्वेश्चन मैं यहीं पे हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ऐसा कभी नहीं लिखा होता कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, ध्यान दिया आपने इस बात पे? हमेशा लिखा होता है नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड, द रिसर्चर फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। तो ये कई स्कॉलर्स ने पूछा कि सर कोई सिनेरियो ऐसा रहेगा कि जब आप इसे एक्सेप्ट भी करोगे क्या कभी? ओके चलिए इसको रिसर्च को छोड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं। अगर लेट से मैं एक मेडिसिन से एग्जाम्पल लेता हूँ, उससे आई होप आपको ज़्यादा क्लियर होगा। हम कैसे करते हैं रिसर्च, तो हमारा ही एक पर्सपेक्टिव है ना। लेट्स से मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स ने अपना कुछ मेडिकल चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कहा कि ओ माय गॉड आपको तो कैंसर है, तो डॉक्टर ने बता दिया कैंसर है आपको। अब मिस्टर एक्स क्या करने वाला है, आपको क्या लगता है, कोई भी अगर मिस्टर एक्स की जगह हो क्या होगा कि ठीक है जी कल से शुरू करो ट्रीटमेंट, ऐसा होगा? या आप कहेंगे नहीं नहीं एक बार रुको यार, मैं एक बार एक टेस्ट और करवा लेता हूँ किसी दूसरी जगह से, दूसरी लैब से, दूसरे डॉक्टर का मैं एक बार ओपिनियन ले लूँ इसको, या हो सकता है मैं तीसरे का भी ले लूँ। तो हुआ क्या, डॉक्टर ने जब आपको एक चीज़ बोली आपने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया उसे? लेकिन आपने ये भी नहीं कहा कि मुझे कैंसर नहीं है, आपने कहा होल्ड ऑन, जैसे वो वहीं रुक जाओ, मुझे एक सैंपल और लेने दो, मैं एक बार और चेक करवाता हूँ, तीसरी बार चौथी बार, और हर बार अगर पॉजिटिव है तो समबडी विल एक्सेप्ट। समझ आई चीज़? एक सैंपल के बेस पे हम जनरली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हम रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, हम ये कर रहे हैं कि ओके फेल टू रिजेक्ट। अगर आपके हमारी ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू एक्सेट्रा, हम बोलते हैं फेल टू रिजेक्ट या रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन फेल टू रिजेक्ट का मतलब है एक्सेप्ट नहीं किया है पर हमने होल्ड पर डाल दिया कि एक दूसरा सैंपल भी लें, तीसरा भी लें, दोबारा स्टडी करें, ठीक है जी। अब यही चीज़ इसी एग्जाम्पल को और देखें, अ पर्सन बाय कार ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ड्राइव। अब इसमें क्या होने वाला है कि कार बड़ी अच्छी थी आपने रिजेक्ट कर दी, या कार अच्छी नहीं थी पर टेस्ट ड्राइव में आपको लगा ठीक है आपने ले ली और बाद में कहा ये मैंने क्या कर दिया, राइट। और एग्जाम्पल, अ बॉय और गर्ल एक्सेप्ट और रिजेक्ट मैरिज प्रपोजल आफ्टर द मीटिंग। अब यहाँ पे वेल इसका तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे या कुछ सालों में जान जाएंगे। मैं अगले एग्जाम्पल की बात करता हूँ, जस्ट टेक्स अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमेशा से रही है, जब से सिविलाइज्ड सोसाइटी शुरू हुई है तो ये लॉ के तो डिसीजंस रहे ही हैं कि या तो हम किसी इनोसेंट को कल्प्रिट बोल दें या फिर एक जो एक्चुअली क्रिमिनल है उसको हम बरी कर दें, राइट। उस तरह के इश्यूज़ या मेडिसिन में भी हो सकते हैं। डॉक्टर टेक्स अ डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैब टेस्ट, एक्सेप्ट करे रिजेक्ट करे कि बीमार है या नहीं। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं इनमें किस किस तरह के एरर आते हैं और उनका क्या रैशनल है, नाम कैसे दिया जाता है, वैल्यू कैसे दी जाती है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।